सिंगरौली में प्रशासन जाग गया और उसे अवैध कब्जे हटाने की याद आ गई। कॉलेज चौक से लेकर डिग्री कॉलेज के दोनों तरफ सड़कों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। हालांकि अतिक्रमणकारियों को कई बार समझाया गया लेकिन उन्होंने अपने अतिक्रमण नहीं हटाए तो प्रशासन को सख्त होना पड़ा। नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा को स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि कॉलेज चौक मार्ग पर अतिक्रमण के कारण आए दिन जाम लगता है। आयुक्त शर्मा ने मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया कि स्थानीय दुकानदारों ने नाली को भरवा कर दुकान के सामने अवैध निर्माण कर लिया है जिस वजह से वाहनों को आने जाने में जाम लग जाता है। आयुक्त ने लोगों से अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया मगर इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तब पुलिस के सहयोग से नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया। निगम आयुक्त ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वे अपना अतिक्रमण हटा लें अन्यथा नगर निगम के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा और जुर्माने के साथ माल की जब्ती भी की जाएगी। यहाँ अतिक्रमण के कारण ये सारी दिक्कतें हैं, यहाँ अतिक्रमण हटाया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आज मैं पूरी टीम को लेकर के यहाँ सबसे जो व्यस्तम रास्ता है, जो कॉलेज का एक शिक्षण संस्थान को जाने वाला रास्ता है, जिससे आम नागरिक का वास्ता है, आम जनता यहाँ की जिसके कारण परेशान है, तो उस रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए मैंने आज मुहिम चलाई है। और मेरा सभी नागरिकों से यही निवेदन है, मेरी यही अपील है कि सब लोग इस कार्य में सहयोग करें। ये आम नागरिकों की सुविधा के लिए, इस नगर के वासियों की सुविधा के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।